तो ये निकल जाएगा कितना, 2x, क्या निकल जाएगा बच्चों, 2x, सब पता है, g mm कट गया, g r ओमेगा सब पता है, तो क्या निकल जाएगा, x, x की वैल्यू इसमें रख दो, क्या निकल जाएगा y, वही y पूछा गया है, कितनी हाइट पे जाके रुके, स्टेप बताओगे क्या, ये क्वेश्चन क्या था, सब लोग सोचे ये क्या क्वेश्चन था, मैं कर क्या रहा था, मैं क्या टॉपिक पढ़ा रहा हूं, टॉपिक का नाम क्या है, किसी ग्राफ से रिजल्ट निकालना, और उसमें क्या पढ़ा रहा हूं, रिजल्ट किससे, स्लोप से रिजल्ट निकालना, यही ना, तो किसी ग्राफ में स्लोप से रिजल्ट निकालना हम पढ़ रहे हैं, यही ना, तो स्लोप से रिजल्ट निकालने के लिए हमने सबसे पहले लाइन की, लाइन का स्लोप पढ़ा, कि एक्स एक्सिस से जो एंगल होगा, काम खत्म, क्या तुम्हें लगता है कि उतने से काम बन जाएगा, क्या तुम्हें लगता है कि हमेशा लाइन ही देगा तुम्हें, अलग अलग चीज दे सकता है, कभी कर्व देगा कभी कुछ देगा, तो दूसरे नंबर पे क्या पढ़ा है मैंने, कर्व पढ़ा है, तो क्या बोला मैंने, कर्व का स्लोप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे बड़ी चीज क्या है, टेंजेंट, यानी ये अलग अलग जगह पे अलग अलग होगा, तो किसी जगह पे क्या खींचना पड़ेगा, टेंजेंट, और टेंजेंट खींच के उसका x एक्सिस जो एंगल बनेगा उसका टेंजेंट निकालना पड़ेगा, यही ना बच्चों, अब मुझे बताओ क्या हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में नहीं पढ़ा कि डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए पॉइंट, पढ़ा ना, डिफरेंशिएशन में क्या पढ़ा हमने, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए पॉइंट, यही तो होता है ना डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए पॉइंट, है कि नहीं, और अभी अभी हमने क्या देखा कि इस जगह पे क्या चाहिए, स्लोप, तो इस जगह पे अगर स्लोप चाहिए तो उस जगह पे टेंजेंट का स्लोप मतलब डिफरेंशिएशन उस जगह पे ना, डिफरेंशिएशन एट ऑफ फंक्शन एट ए पॉइंट क्या देगा, स्लोप, अरे बोलो बच्चों, ये भूल गए क्या तुम लोग, डिफरेंशिएशन वाला पढ़ा है ना सबने, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, तो याद करें कि जो डिफरेंशिएट करने से मिलता है वो डी वाई बाई डी एक्स मिलता है, वाई में चेंज अपॉन एक्स में चेंज, और वाई में चेंज अपॉन एक्स में चेंज एक्चुअली क्या होता है, टेंजेंट का स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट, अरे मेरी बात समझ में आई, अब ये सब क्वेश्चन आता है तो बच्चे फंसे रहते हैं, जबकि यही क्वेश्चन वो कहेगा एक इंक्लाइन प्लेन है, उस पे एक मास रखा हुआ है, इक्विलिब्रियम है, बताओ कितनी हाइट पर रुकेगा, कुछ तो देगा, या कुछ भी कंडीशन देगा, कितना, मतलब सेम क्वेश्चन है वो, क्यों, बस उसने क्या कर दिया, कर्व दे दिया, उसमें ये दे दिया, उसकी जगह पे यहाँ पे एक सरफेस बना देता और बोलता कि इक्विलिब्रियम में तीनों एक फोर्स दो फोर्स तीन फोर्स के कारण बॉडी इक्विलिब्रियम में, बताओ क्या होगा, जो भी कंडीशन, इसमें उसमें एक लाइन का अंतर नहीं, एक्सेप्ट उसमें पहले से क्या दे रखा होगा तुम्हें, थीटा, और तुम टैन थीटा में तुम जानते हो, जबकि यहाँ पे टैन थीटा तुम्हें यहाँ से निकालना पड़ेगा, बताना दोनों सेम क्वेश्चन है, चलो न्यूटन लॉ पे हम पढ़ेंगे वो अलग बात है, अभी अभी हमने सीखा एक छोटे से एग्जाम्पल से, जो मुझे अभी नहीं सीखना, मुझे तो केवल ये सीखना है कि अगर कर्व दिया है तो उस कर्व के किसी पॉइंट पे अगर स्लोप चाहिए तो टेंजेंट का क्या चाहिए, टैन थीटा, और वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, क्या करेंगे, एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे डिफरेंशिएट करके वैल्यू निकाल देंगे, वही उस जगह का क्या होगा, स्लोप, सुना क्या बच्चों, तो क्या लिख दो इसका रिजल्ट, बताओ क्या रिजल्ट लिखो यहाँ पे, कि हाँ डी वाई बाई डी एक्स एट ए पॉइंट ऑन कर्व विल गिव स्लोप ऑफ कर्व एट दैट पॉइंट, अभी अभी हमने यही सीखा, तो किसी जगह पे स्लोप निकालना हमने सीख लिया, क्या निकालना सीख लिया, स्लोप निकालना, सही, अच्छा अब थोड़ा और बढ़ते हैं आगे, हमने अभी अभी क्या दे सीखा, स्लोप होता क्या है और कितना होता है, यही सीखा ना, अच्छा अब जो है टॉपिक का नाम तो था रिजल्ट फ्रॉम स्लोप, तो मैंने स्लोप क्यों पढ़ाया, क्योंकि हो सकता है किसी को स्लोप के बारे में ना पता हो, तो स्लोप अब समझ गए, लेकिन हमारा टॉपिक का है नाम रिजल्ट फ्रॉम स्लोप, रिजल्ट फ्रॉम स्लोप, तो अब देखते हैं उसी पे दोबारा जाते हैं,
सबको पता है ये बीटी ग्राफ है। तो अगर स्लोप क्या रिजल्ट देता है ये निकालना है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ क्वांटिटी ऑन वाई ओवर डिफरेंशिएशन ऑफ क्वांटिटी ऑन एक्स, ये करके देखो कि ये क्या आएगा, वही स्लोप देगा। स्लोप वही, फिर से कोई कर्व है, स्लोप निकाल के हमें क्या मिलेगा, इस कर्व का स्लोप निकाल के हमें कौन सी क्वांटिटी मिलेगी या क्या मिलेगा ये जानना है, तो ये करना पड़ेगा। समझ गए? कोई कर्व है हमें, कोई दो कर्व, दो क्वांटिटी के बीच में कर्व दिया है, ग्राफ दिया है, तो जो स्लोप होगा वो क्या देगा ये जानने के लिए ये स्टेप करना है। तो बताओ वाई एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी है, वेलोसिटी, तो उसका डिफरेंशिएशन डीवी होगा। एक्स एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी है, डीटी हो जाएगा, और डीवी बाई डीटी क्या होता है, एक्सेलरेशन। इसका मतलब कि इस वीटी ग्राफ के में कोई कर्व दिया है तो उसका जो किसी टाइम पे किसी पॉइंट पे जो स्लोप होगा वो उस जगह क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। क्या देगा? मेरी बात समझ में आई? क्या लगता है एक्सेलरेशन बढ़ रहा है कि घट रहा है? हाँ, पहले ये था, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ टाइम का, यानी लगातार एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो कौन सी क्वांटिटी देगा और उसका रिजल्ट भी हमने थोड़ा देख लिया, यही ना। दूसरा, मान लो मैं वी एस ग्राफ खींच रहा हूं तो क्या देगा स्लोप, डीवी बाई डी एस। अभी तो नहीं दिख रहा है कुछ, लेकिन अब दिख जाएगा। ये कौन है, ये कौन है, यानी ये एक्सेलरेशन अपॉन वेलोसिटी देगा। क्या देगा? एक्सेलरेशन अपॉन वेलोसिटी, यानी स्लोप हमें एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का क्या देगा बच्चों, रेशियो। अरे बोलो, जैसे मान लो ये मैंने वी एस ग्राफ दे दिया, ये वी नॉट है, ये एस नॉट है, ये किसी जगह पे वी है, ये किसी जगह पे क्या है, एस है, सही। मुझे चाहिए फाइंड एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा आसान वर्ड में कहें कि तो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में क्या बताओ, रिलेशन बताओ। एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन, सही। तुम्हारे पास बहुत कुछ ऑप्शन नहीं है, तुम्हें क्या दिया है, एक कर्व, क्या दिया है, और जो भी रिजल्ट पूछा है तो सर ने पहला लाइन बताया था वी एस ग्राफ से क्या निकाल लेना, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में रिलेशन निकाल लेना, है ना। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में रिलेशन निकालो, क्या होगा ये बोलो, वी नॉट, हाँ बोलो, अपॉन एस नॉट इक्वल टू वी बाई एस। तो वी इक्वल टू वी नॉट अपॉन एस नॉट इंटू एस, क्या आ गया ये, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन। लेकिन मुझे किसमें चाहिए, तो क्या करूं, टी के रिस्पेक्ट में क्या कर दूं, डिफरेंशिएट। बहुत बढ़िया, अरे भाई वेलोसिटी पता है, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन, सही ना। टफ पढ़ा रहा हूं क्या, आ रहा है स्टोरी समझ में? तो भाई जो दिया है उससे हमें क्या मिला, रिलेशन ही तो मिला, और क्या निकलेगा, समझे। और अगला लाइन है डिफरेंशिएशन करना, सोच पाओगे इतना नहीं, टफ है क्या ये? अरे भाई अभी तब से यही तो सिखा रहा हूं ना, वी और एस में रिलेशन निकालना सीख लिया,
और उसके बाद आगे पढ़ेंगे, अभी अगला टॉपिक है हमारा डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएट करना आ जाएगा, डिफरेंशिएशन मतलब एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, तो एक लाइन में आंसर आ जाएगा, समझे कि नहीं? लेकिन मान लो तुम इससे चाहते हो, मान लो तुम इससे चाहते हो, तो यहां पे तुमने क्या देखा, जो स्लोप होता है वो ए और बी में रिलेशन होता है ना, ए और बी का रेशियो होता है, लेकिन स्लोप है क्या, स्लोप बताओ, यहां पे स्लोप बताओ, परपेंडिकुलर कौन बेस, अरे टैन थीटा ना, तो क्या होगा स्लोप, परपेंडिकुलर कौन है, बोलो, अपॉन इज ए बाई बी, ए बाई बी, तो ए चाहिए ना हमें, वी इंटू वी नॉट अपॉन एस, लेकिन किसके रिलेशन, एस नॉट किसके साथ, उसमें चाहिए टर्म में डिस्प्लेसमेंट के, हमें किसके टर्म में मिला, तो हमें वेलोसिटी हटानी पड़ेगी, अरे कुछ समझे, देख लो, तो वेलोसिटी हटा दूं, क्या होगा वेलोसिटी की वैल्यू, ए इक्वल टू वी नॉट अपॉन एस नॉट इंटू बी की वैल्यू बताओ, अगेन वी नॉट अपॉन एस नॉट इंटू एस, दैट इज वी नॉट अपॉन एस नॉट का होल स्क्वायर इंटू एस, क्वेश्चन क्या था सोचिए, तुम्हें गिवन क्या था, वेलोसिटी और वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में एक ग्राफ देके पूछा था एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यही पूछा था, अब ये आएगा तो तुम क्या करोगे, तुम्हारे सामने कुछ नहीं है एक्सेप्ट ग्राफ दिया है तो रिजल्ट क्या आता है, तो ग्राफ दिया है तो सर ने पहला लाइन बताया था v नॉट अपॉन s नॉट इक्वल टू v अपॉन s, ये पहला लाइन बताया था रिजल्ट फ्रॉम ग्राफ का पहला लाइन, और दूसरा लाइन क्या बताया था, स्लोप जो v a बाई बी होगा कितना होगा, तो काम ही खत्म है, और स्लोप कितना है, v नॉट बाई s नॉट इक्वल टू a अपॉन b, यानी a की वैल्यू आ गई v नॉट अपॉन s नॉट इंटू v, और v की वैल्यू पहले लाइन से हमें क्या मिल गई, v नॉट अपॉन s नॉट का होल स्क्वायर इंटू s, क्योंकि यहां से उठा के रख दिया, यानी दो पहले दो स्टेप्स जो बताए हैं दोनों इसमें लग रहे हैं, सही है, ये टफ क्वेश्चन है क्योंकि दो स्टेप लग रहे, एक स्टेप वाले आसान क्वेश्चन होते हैं, टफ का मतलब ये नहीं कि, लेकिन बात वही है, दिमाग जब दो बार लगाना पड़े एक के बाद ना आए तो थोड़ा और ढूंढना पड़े देखना पड़े तो उसको टफ कहते हैं, थोड़ा सा सही है, मेथड समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, ये सब क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, ये इस टाइप से कोई भी ग्राफ देख के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, एक्सेलरेशन फाइंड करो, फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन, शुरू कर देते हो ना एकदम बेकार वाली क्लास, दिमाग लगाओ क्या करोगे, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में सीधा रिलेशन आ जाएगा एक, क्या v स्क्वायर इक्वल टू s, क्यों, क्योंकि tan थीटा जो होगा वो परपेंडिकुलर 45 है, तो परपेंडिकुलर कौन बेस, और परपेंडिकुलर कौन है v स्क्वायर, और बेस कौन है s, तो v स्क्वायर अपॉन s क्या होगा tan 45 जो कि 1 है कि नहीं, हमें क्या चाहिए एक्सेलरेशन चाहिए ना, तो इसका रूट लेकर डिफरेंशिएट कर दो तो भी आ जाएगा, बोलो यस, या हम रिजल्ट निकाल ही क्या सकते हैं,
रिजल्ट सारे बहुत सारे तो नहीं निकाल सकते। अरे भाई कुल मिला के एक इनमें रिलेशन, एक स्लोप और एक एरिया, तीन चीजें निकाल सकते हैं। चौथा तो इन्हीं का यूज है, तो इसका मतलब ये जो निकाल सकते हैं देख लेते हैं। तो स्लोप बताओ, बीच का स्लोप क्या होगा? टू वी डी वी कितना होगा? बीच का डिफरेंशिएशन होगा कि नहीं? और नीचे कौन है? अरे कुछ समझ में आया? क्या करूं? ये कौन है? ये कौन है? ये भी कौन है? वेलोसिटी वेलोसिटी निपट गया। बचा कौन? आंसर बताओ। स्लोप कितना है? स्लोप बताओ कितना है? हाँ हाँ, तो 10:45 कितना है बच्चों? 2a। तो a कितना है? काम करता टफ हो गया। घर पे जाके क्या करोगे? क्वेश्चन करोगे? जम के इसको इतना पढ़ोगे कि घुस जाए दिमाग में, जब भी जरूरत पड़े तो वही निकले, कचड़ा नहीं ये निकले। ये जो बोल रहा हूँ इसको रटो, यही स्टेप रटो, स्टेप्स रटो। और बड़ा सिस्टमेटिक बनाया है उसको चुपचाप रट। क्या रटोगे? ग्राफ आए तो मैं क्या करूंगा? कुल मिला के चार स्टेप मैक्सिमम हो सकते हैं। एक सीधा रिजल्ट, एक स्लोप निकाल के, एक एरिया निकाल के और एक हेडर। अभी जो पढ़ा हमने कि एक चीज देख के दूसरा पूछे तो क्या करेंगे, देखो ये सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, यहां से भी हो रहे हैं। वो डायरेक्ट स्लोप की बजाय यहां से हो रहा है, डिफरेंशिएट करके देखो आंसर आएगा, ऐसे भी हो रहा है। समझ गए? यानी तुम अगर रिलेशन निकालना जान रहे हो तो आधे क्वेश्चन तो वैसे भी हो रहा है, उसकी जरूरत नहीं, यहां से भी हो रहा है। अरे मेरी बात समझ में आई? यहां से डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर आ जाएगा। कैसे कर दूं? अभी तुम्हें नहीं पढ़ा इसलिए नहीं कर रहा हूं, नहीं तो यहां पे हो रहा है। बीच का डिफरेंशिएशन टू बी डी वी बाई डी टी, यही ना? इक्वल टू डी एस अपॉन डी, यही ना? डी एस बाई डी क्या होता है? आंसर क्या होता है? लेकिन डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा इसलिए नहीं कर रहा। सुना क्या बच्चों? उसकी जगह नहीं है, डायरेक्ट भी हो जाएगा, लेकिन अभी डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है तो कुछ लोगों को ऐसा ही ना हो इसलिए बता। आसान है? यानी ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो इसके बगैर तो सही है। और जब मैं बात कर रहा हूँ ना बच्चों, तो विश्वास करो कि ये बच्चों ने कई बार पूछा होगा तो मेरे दिमाग में बैठा हुआ है कि जब तुम पढ़ाओ तो इस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दे के पढ़ाओ, क्योंकि कई बार उन्होंने पूछा। जैसे वो रिंग वाला प्रॉब्लम लगभग सब बच्चे पूछते हैं, वो जो पैराबोला वाला लगभग सभी बच्चे पूछते हैं। लेकिन तुम बताओ क्या तुम्हें नहीं आता वो? क्या तुम्हें नहीं पता कि कर्व का डिफरेंशिएट करके स्लोप निकालेंगे उसे टैन थीटा आ जाएगा? लेकिन सब पूछते हैं, क्यों? फिर वही बात, पढ़ा है लेकिन याद नहीं आता। तो याद रखो बस, तुम्हें पढ़ना नहीं है, तुम्हें ज्यादा क्वेश्चन नहीं करने। अरे मत 100 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं करने, मेरा मानना तो यही है। मस्त अच्छे वाले 100 क्वेश्चन मिल जाए, काम करता हूं। और उसको एक बार नहीं 10 बार कर दे और नोट्स तैयार रखे, एकदम नोट्स एकदम बढ़िया से तैयार रखे, सही है? इसमें कुछ एक्स्ट्रा हो रहा है थोड़ा कम कर लो, क्योंकि हम लोग तो टीचर है भाई, थोड़ा तो सिखाने के लिए पढ़ाएंगे ना। अब जैसे मैं तुम्हें एक लाइन पढ़ा रहा हूँ कि वाई और एक्स में जो क्वांटिटी दे रही है उसमें रिलेशन, तो मैं उसमें कहाँ तक क्वेश्चन कर रहा हूँ? थोड़ा दूर तक क्वेश्चन कर रहा हूँ। हो सकता है तुम्हारे लिए थोड़ा टफ हो तो थोड़ा कम कर लेना, तुम्हें बस स्टोरी याद रहेगी तो भी काम चल जाएगा, सही ना? स्टोरी मतलब शुरू के 2-3 क्वेश्चन बस, बाकी यहाँ तक बहुत ज्यादा ना हो तो भी चलेगा। ये तो टफ नहीं है, तो आसान है, मैं तो बहुत आसान पढ़ाता हूँ, ऐसा बहुत आसान है, इसलिए आसान ही पढ़ाता हूँ, क्या करूँ? टफ कहाँ से लाऊँ? होता ही नहीं है, होता ही क्या कुछ टफ? फिजिक्स बहुत आसान है अगर हमारे कन्फ्यूजन्स हमारे दिमाग में हावी ना हो, हमारे कन्फ्यूजन खुद ही हावी हो जाते हैं, कचरा कर देते हैं। मैंने एकदम चुपचाप सिंपल एकदम बताया स्लोप का तरीका, स्लोप निकालने का तरीका, स्लोप से रिजल्ट बताया ना, कचरा मत हावी दे होने देना। फिर इधर उधर से एग्जांपल करो, क्वेश्चन नहीं आएंगे तो तुम्हारे दिमाग में क्या बनना शुरू हो जाएगा, फिर से क्या होगा? देखो तुम डिफरेंस ये क्वेश्चन करने जाओगे, 2-4 क्वेश्चन मिलेंगे, नहीं होगा तो धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में क्या करने लगेगा? कन्फ्यूजन के बादल मोती बन गया, कौन कॉन्सेप्ट वो निकल ही नहीं रहा एकदम से,
है ना, चार तरफ से एकदम घेर लिया है किसने, कचरा का कॉन्सेप्ट ने, है ना। और वो जो चमकता हुआ कॉन्सेप्ट है वो कहाँ चला गया, बादलों में घिर गया है। उसको बाहर रखो, ठीक है ना, उसको अंदर मत घुसने दो, उसको बाहर निकाल के रखो। तुम्हें स्लोप निकालना आता है, तुम्हें रिलेशन निकालना आता है, स्लोप से क्या रिजल्ट आता है उसके लिए सीधा तरीका है कि वाई एक्सिस पे जो क्वांटिटी है उसको डिफरेंशिएट कर दो और एक्स एक्सिस पे जो क्वांटिटी है उसको डिफरेंशिएट कर दो, दोनों का रिलेशन निकाल लो। कभी कभी डायरेक्ट रिलेशन दिखता है, कभी डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिखता, तो नहीं दिखता तो थोड़ा अरेंज अरेंज करना पड़ता है, नहीं दिखेगा तो क्या करेगा, कोई प्रॉब्लम थोड़ी हो सकता है। क्या तुम्हें हमेशा कोई ना कोई रिजल्ट मिले जरूरी है, नहीं। अरे दो कर्व के बीच में ग्राफ दिया है तो क्या हमेशा ही स्लोप कुछ रिलेशन देगा, नहीं देगा। देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो कोई बात नहीं, एरिया देगा, वो भी देगा तो कोई बात नहीं, कुछ और करेंगे हम लोग। ऐसा थोड़ी कि हर ग्राफ कुछ ना कुछ रिजल्ट देगा ही। अरे कुछ समझे, अरे बोलो बच्चों। ठीक, तो ये है तुम्हारा स्लोप से जो रिजल्ट निकालना है वो। ठीक, और भी क्वेश्चन बन सकते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ खींचने पे, पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ खींचने पे या पोजीशन डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ खींचने पे स्लोप क्या देगा, पोटेंशियल एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ खींचने पे स्लोप क्या देगा, हाँ तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। देखो पोटेंशियल एनर्जी और स्लोप के बीच में ग्राफ खींचने पे तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, स्लोप कह रहा हूँ सॉरी, एस डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ खींचने पे तुम्हें नहीं समझ में, तो कोई पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताओ ना, MGH कर लेते हैं। चलो तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ MGH ओवर डिफरेंशिएशन ऑफ, अरे है ना, एच और एस दोनों एक ही चीज है ना, अरे बोलो तो ds by ds क्या देगा, फोर्स, सही हो गया, ज्यादा नहीं सोचना बस वही है, क्या दिक्कत। कोई और रिलेशन से निकाल लेते हैं, चलो कोई और रिलेशन तुम्हारे सामने है उससे निकाल लेते, हाफ के एक्स स्क्वायर लगा दें, पर नीचे एक फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर भी तो होता है, इसका डिफरेंशिएशन अपॉन एक्स, यहाँ पे x की जगह x रहेगा फिर तो x के साथ बदलता है, यही ना, ये तो स्लोप होगा ना बच्चों, हाफ k x स्क्वायर का 2x dx और नीचे भी dx dx क्या हो गया, 2 से 2 क्या हो गया, k into x क्या होता है, सही है, कुछ भी कर लो, कुछ समझ में आया, कुछ भी कर लो काम बन जाएगा, ठीक है, और ट्राई कर ले। क्या किया मैंने, ये सॉरी ये कौन है बच्चों, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है ना, गलत तो नहीं कर रहा मेरे ख्याल से, मैं तो सही करता हूँ, बहुत तेज करता हूँ मैं, k q q 1 upon x का डिफरेंशियल कौन बताएगा, माइनस 1 अपॉन इनटू dx अपॉन dx dx क्या हो गया, ये कौन है, फोर्स, बस माइनस साइन आ रहा है, तेरे को समझ में आया, एक चीज तो पक्का है कि कोई भी पोटेंशियल जी ले लो डिफरेंशिएट कर तो क्या आएगा, फोर्स ही आएगा, ये तो पक्का है, माइनस प्लस की बात बाद में समझ लेंगे, वो अलग बात, कुछ समझ ना आया, बोलो बच्चो, इसका मतलब कहीं कि तुम मुझे पोटेंशियल एनर्जी दे दो क्या मिल जाएगा मुझे, फोर्स, पक्का, अरे बोलो, ये फालतू वाला क्वेश्चन होता है ना, बीच बीच में इधर उधर घुमाता रहता हूँ जो, वो इसलिए कि फिजिक्स में थोड़ा टहल आते हैं हम लोग बीच बीच में ना। क्या तुम्हें ये याद है ये कौन है,
किसका? तो ये कौन है? हाँ कौन है ये? तो ये कौन है भाई बहन? कौन है? हाँ क्या है ये? थोड़ा दिमाग लगा कर लिया करो, तब से पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा तो दिमाग लगाओ, ऐसे कैसे? अरे क्या पढ़ा रहा हूँ तब से, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा लिया करो। अरे कुछ समझे? तो बताओ, ये एक डाइपोल है, क्या है ये? ये भी एक डाइपोल है। कौन सी पोजीशन है डाइपोल की? एक्सियल पोजीशन की इक्वेटोरियल, कौन सी है ये? इसकी वहां पे फील्ड बताओ, आर डिस्टेंस पे फील्ड बताओ, पढ़ा है सबने। एक डाइपोल का फील्ड बताओ, हाँ के क्यू के पी अपॉन आर क्यू, अरे टू के पी अपॉन आर क्यूब है। बोलो बच्चों, आता है ना सबको? इतना नहीं आता, सबने पढ़ा है, पहला डेरिवेशन है, खूब मन लगा के पढ़ के जाते हो, इतना तो मुझे पता है, है कि नहीं? स्कूल में आता है खूब जम के। तो 2 के पी अपॉन आर क्यूब है, कौन है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड है ना बच्चों, कौन है ये? और ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। उसको P, ये P1 है तो ये P2 कर लेते, P2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा ये? और दोनों के बीच एंगल बताओ क्या आ जाएगा? क्या आया इसका? क्या है ये? फील्ड। क्या है ये? इसकी अपनी P है और दोनों के बीच का एंगल हो गया, तो क्या आया? क्या आया भाई? क्या आया? और अभी अभी हमने क्या सीखा यहाँ पे? क्या सीखा था? पोटेंशियल एनर्जी को x के से डिपेंड करके dx से डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा? तो अगर मैं इसको करूँ तो ये सब कॉन्स्टेंट है ना, x क्यूब का डिफरेंस सब आता है ना, x की पावर 4 टाइप का, वन अपन r की पावर 4। बोलो अरे बोलो। तो पूछा गया फोर्स प्रोपोर्शनल टू व्हाट? 1 बाय r की पावर 4 होगा कि नहीं? कैसे? पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट कर दो और r को डिफरेंशिएट करके डिवाइड कर दो, यही तो फोर्स आता है ना बच्चों। अरे बोलो टफ हो गया क्या? आईटी में वो क्वेश्चन है वो भी, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं। आईटी में कहीं है उससे मतलब क्या है? हम जो सीख रहे हैं वो क्या है? अरे भाई हम क्या सीख रहे हैं? तुम देखो कितना इंपॉर्टेंट चीज होता है ये, तो ना हम लोगों की नजर में, एक टीचर की नजर में सोचो कि मैं तुम्हें ये पढ़ा रहा हूँ और मेरा दिमाग कहाँ कहाँ घूम रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं इसी छोटी छोटी चीजों पे, है ना? तुम्हें लगता है जैसे फिजिक्स बहुत ज्यादा पढ़नी है, मुझे लगता नहीं, फिजिक्स बहुत कम पढ़नी है, बहुत कम। जो अभी पढ़ रहे हैं वो 10 जगह पूछा गया टॉपिक, तो कितना कम पढ़ना है। लेकिन अब कितना, तो इसका मतलब है कि इसको क्या कहते हैं हम लोग, कहते हैं ना कि जब एक चीज पढ़ते हो ना और दूसरी चीज पढ़ते हो तो दोनों ऐड नहीं होता है, मल्टीप्लाई होता है, समझ गए? अब मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे कौन है जो शुरू के चार चैप्टर, देखो मैंने कहा नॉलेज मल्टीप्लाई होता है, तो अगर नॉलेज मल्टीप्लाई होता है तो ये नॉलेज कौन है? बेसिक है। मैं जबरदस्त पढ़ा दूं तो भी क्या होगा? समझ गए? मैं कुछ भी पढ़ा दूं जीरो होगा अगर तुम्हारा क्या क्लियर नहीं है, और ये सब क्या चल रहा है? क्योंकि इसी बेसिक से तुम्हें सीखना है, तुम्हें सोचना है ना, मुझे थोड़ी, मैं तुम भाई हो क्या कि मैं पढ़ा दूं तो फट से तुम रट डालोगे तो वही आएगा, फट से टिक लगा दोगे, ठीक है? इसमें दिमाग लगाना है ना, कोई भी क्वेश्चन क्या डायरेक्ट देख के हो जाएगा कि इसमें ये आंसर है, ऐसा होता है क्या फिजिक्स में? हर क्वेश्चन में कैसे होता है? सोचना पड़ता है ना, एक स्टेप सोचना पड़ता है वो स्टेप। क्या तुम्हें लगता है कोई भी क्वेश्चन बिना सोचे एक लाइन में ऐसे देखा और हो गया, ऐसा कोई क्वेश्चन होता है फिजिक्स में? एक भी क्वेश्चन ऐसा होता है? इसका मतलब कि फिजिक्स में एक भी क्वेश्चन करने के लिए तुम्हें अपना दिमाग चलाना पड़ेगा, और ये अपना दिमाग कौन है? ये ठीक है, ये अलग बात है कि चैप्टर का थ्योरी है जो भी है, लेकिन इसके बगैर थोड़ी चलेगा, वो तो जरूरी है ना, वो बेसिक ही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो क्यों परेशान रहते हो तुम लोग, सोच के देखो, तुम इतना भी पढ़ लेते हो तो भी फिजिक्स में थोड़े डरे रहते हो ना, मतलब अलग अलग की बात करो, इंजीनियरिंग वाले अलग थोड़ा सा रहता है, मेडिकल अलग, लेकिन फिर भी ये रहता है। तो तुम्हारे बेसिक गड़बड़ रहते हो, तुम इतना पढ़ के कहते हो कि सर
रात दिन पढ़ रही हूँ मैं भी, मैं कई वो दिखा सकता हूँ व्हाट्सएप, सर रात दिन हमने पढ़ा है नंबर ही नहीं आ रहा, बहुत मेहनत कर रहे हैं फिजिक्स में फिर भी नंबर नहीं आ रहे, समझ गए? ऐसा मेरे व्हाट्सएप में कई एक दो नहीं, तुम जान रहे हो इतने सालों से, तो बच्चे परेशान रहते तो मैसेज करते हैं, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा, तो क्या करूँ समझ नहीं आ रहा, बेसिस पे फोकस करो, छोटी छोटी बातों पे फोकस करो, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन, ग्राफ, ग्राफ से रिजल्ट, छोटी छोटी बातें, रिलेशन, ये सब तो बेसिक्स है ना, इसी सब पे फोकस करो, अपने आप दिमाग चलने लगेगा, अपने आप दिमाग चलेगा। ये दिमाग चलाने के लिए कुछ स्पेशल नहीं चाहिए, जब इसी में थोड़ा थोड़ा वर्क होगा तो चलेगा। रिजल्ट फ्रॉम ग्राफ में यह स्लोप का समझ में आ गया, तो स्लोप में हमने क्या क्या पढ़ा एक बार सोच के देखो। स्लोप में सबसे पहले स्लोप कैसे निकालते हैं, एक दूसरा स्लोप की वैल्यू कैसे बदलती है, स्लोप की वैल्यू कैसे बदलती है, पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान ना दे तो 90 के पास का स्लोप ज्यादा होता है, 90 से जितना दूर जाओगे उसका स्लोप कम होगा, 80 का स्लोप ज्यादा होगा कि 100 का, इक्वल हो जाएगा, 80 मतलब 10 का डिफरेंस, 100 मतलब 10 का डिफरेंस, तो स्लोप क्या हो जाएगा दोनों का, इक्वल हो जाएगा। सुना कि नहीं तुमने, अरे 90 में से माइनस करोगे ना तो 90 में से माइनस करोगे तो 100 आएगा और 80 आएगा, और 90 में से प्लस करोगे, 90 प्लस करोगे तो 100 आएगा, दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है ना, तो स्लोप दोनों का क्या रहेगा, बस इक्वल रहेगा अमाउंट में, लेकिन ये प्लस रहेगा और ये क्या रहेगा माइनस, क्या सबको समझ में आते हैं, और स्लोप मतलब tan थीटा, ये सब छोटी छोटी बात है, तो कर्व देके स्लोप पूछे तो उसका मतलब क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट का स्लोप, टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन, क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन, टेंजेंट का स्लोप कैसे निकलता है, डिफरेंशिएट करते हैं, और फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, और जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, y इक्वल टू x स्क्वायर मान लो है, y इक्वल टू x स्क्वायर ऐसे, तो किसी जगह पे अगर स्लोप चाहिए तो इस y इक्वल टू x स्क्वायर को क्या कर दो, डिफरेंशिएट, तो y इक्वल टू x स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर दो और x की वो वैल्यू रख दो जहां पे स्लोप चाहिए, 2 पे चाहिए तो x इक्वल टू रख दो, मतलब y dy by dx, ये तो स्लोप आएगा कितना 2x, और x की वो वैल्यू रख दो जिस जहां पे तुम्हें चाहिए, तो कितना आ जाएगा स्लोप 4, फिर से बोलो y इक्वल टू x का कोई फंक्शन है, फंक्शन को डिफरेंशिएट करके क्या मिलेगा, टेंजेंट का स्लोप, किसका मिलेगा, लेकिन वो अलग अलग पॉइंट के पे अलग अलग होगा, तो x की वैल्यू रखते ही वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप आ जाएगा, समझ गए, याद रहेगा ये सब, तो अगर जल्दी थोड़ा, मैंने कहा लिखने के लिए थोड़ा मना करता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा मेरी बातें सुनो, लेकिन ये क्यों कर रहा हूँ भाई, चांस तुम भूल जाओ, वो तो नेचुरल, दिमाग इतना फास्ट थोड़ी है कि मैंने एक बार बोल दिया और फट से याद हो गया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसलिए ये कर रहा हूँ, इसको डाल दूंगा अपना देख के, अपना नोट्स बना लेना, फिर ऐसा बनाना लेना लेना कि तुम्हें याद रहे अपने पॉइंट्स, अपने वर्ड्स में, मेरे वर्ड्स में नहीं, अपने वर्ड्स में, सही ना, तो इसलिए बनाता हूँ, कोशिश यही है कि पूरा ध्यान इधर दे दो और फिर ऑनलाइन देख के अपना काम करो, खत्म करें, स्लोप खत्म हो गया, बोलो बच्चों, ठीक है, कल मैंने एक वो नोट्स भेजा है उसमें कुछ क्वेश्चन भी कराए, तुम देख लेना, ठीक है ना, कल जो भेजा था, तीसरा क्या होगा, रिजल्ट फ्रॉम, अरे ग्राफ, रिजल्ट फ्रॉम ग्राफ में तीसरा पॉइंट है बाय फाइंडिंग एरिया, टॉपिक हमारे पास टाइम कितना है बताओ, आज नहीं शुरू करेंगे, आज कुछ क्वेश्चन नहीं कर लेते हैं, किसी भी दो पॉइंट के बीच का अगर पूछ ले स्लोप निकालने के लिए हमें तो सोचो कुछ बनाते हैं, कार्तिक नायक जी और मुझे नहीं पता मैं क्या कहता हूँ, 1/x के बीच में ग्राफ, चलो सोचो क्या देगा, काइनेटिक एनर्जी और 1/x के बीच में ग्राफ देगा, कुछ खास नहीं मेरे ख्याल से, देख लेते हैं, हाफ एम स्क्वायर बच्चों अपॉन
वन बाई एक्स डी एक्स, वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, यही ना, ये एक्स स्क्वायर आ गया ना, ठीक है। कुछ खास नहीं देगा, यही ना, क्या हो जाएगा, वन बाई टू एम टू बी डी वी, है ना, अपॉन वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, कुछ खास मिलने वाला नहीं है। डी टी से मल्टीप्लाई डी टी से डिवाइड कर देंगे, ये कौन है एक्सेलरेशन, ये कौन है वेलोसिटी, वेलोसिटी वेलोसिटी कट जाएगा, टू से टू कट जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन अपॉन इंटू एक्स स्क्वायर, नहीं मजा आया कुछ नहीं, ठीक है, कुछ खास नहीं मिला। कुछ भी क्वेश्चन रहेगा तो भाई मैंने दो तीन क्वेश्चन जो बनते हैं वो करा दिया है, कुछ भी क्वेश्चन बनेगा तुम समझ लो, करना जो है वो मैंने बता दिया, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे जो क्वांटिटी उसको डिफरेंशिएट कर दो, एक्स एक्सिस पे जो क्वांटिटी उसको डिफरेंशिएट कर दो, दोनों का रेशियो निकाल के अरेंज करो, अरेंज करो मतलब जैसे भी, सही ना, ठीक है, रहने दे आज के लिए, सही है। एरिया निकालना था, एरिया वाला बताना है अगला, नेक्स्ट टॉपिक एरिया का है।